পদ্মা নদী কিন্তু ওদিক থেকে আসছে, ক্যামেরা তো পিছে আগে আছে, আবার এটা আমাদের দেশেও হয়, এইরকম নেচার আমাদের, এতে দুর্ভোগ পোহাতে জনগণ সুফল পাচ্ছে না, খরচটা বেড়ে যাচ্ছে অনেক। স্বাগতম সবাইকে বিচ রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আবারও আরেকটি ভিডিও আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব, সেই ভিডিও টাইটেল হচ্ছে আপকামিং মেগা প্রজেক্ট ইন বিহার, বিগেস্ট ফিউচার প্রজেক্ট ইন বিহার, বিহার মেগা প্রজেক্ট ইন হিন্দি। সব বিহার বিহার উনি মানে যতগুলা নাম পেয়েছে মনে হয় সবগুলা অ্যাড করে, হ্যাঁ উনি হচ্ছে, যাতে বিহার সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে ওনার ভিডিওটা সবার সামনে চলে আসে, সেজন্য সে বিহার ট্যাগ দিয়ে তার যে নেমটা আছে সেটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে তার ভিডিও টাইটেল বানিয়েছে। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ইটস ইনক্রেডিবল ফর ইউ, তো ওনাদের ভিডিওর অরিজিনাল লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। इतिहास से ही बिहार भारत का एक काफी इम्पोर्टेंट अंग रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार का इतिहास भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले काफी हद तक अलग भी रहा। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक का जन्म मौजूदा बिहार में ही हुआ था, और साथ ही सबसे पहले 700 सालों से भी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी लगभग हर कोई जानता है। लेकिन समय के साथ बिहार की काफी हद तक सिचुएशंस बदलती गई, जिसमें कुछ गलतियां इंसानों की हैं तो कुछ हालातों की भी। लेकिन आज फिर से बिहार को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर बिहार में काम चल रहा है, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, तो आइए शुरू करते हैं। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, जो कि बिहार के नालंदा में प्रपोज किया गया है। 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाने को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था कि वो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये स्टेडियम बिहार क्रिकेट टीम का भी घर होगा। अक्टूबर 2018 में ही नीतीश कुमार द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जा चुका था। ये क्रिकेट स्टेडियम इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये मोइन उल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा ऐसा स्टेडियम होगा जो कि इंटरनेशनल खेलों को होस्ट कर सकेगा। साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के तर्ज पर बनाया जा रहा है। करीबन 40,000 के आसपास की कैपेसिटी इस पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की होगी, जो कि वैसे इंडिया में मौजूद कुछ बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स के मुकाबले काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन उतनी कम भी नहीं है। करीबन 90 एकड़ की जमीन पर इस पूरे स्टेडियम को बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 800 करोड़ रुपयों के खर्चे का अनुमान है। इस पूरे स्टेडियम के अंदर बनने के बाद रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया और बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल्स भी होंगे। इसका फाउंडेशन स्टोन रखते वक्त ही सोचा गया था कि ये लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है, और शायद 2022 बनकर तैयार हो सकता है। एम्स दरभंगा, अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा। 28 फरवरी 2015 को 2015-16 बजट स्पीच के दौरान अरुण जेटली ने कुछ नए एम्स को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, तमिलनाडु और बिहार के अंदर भी एक एम्स मौजूद था, जहां पर बिहार में दरभंगा को इस एम्स की जगह के रूप में चुना गया, जिसको सितंबर 2020 में फाइनली अप्रूवल मिल गया था। यानी कि अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिले अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। एम्स दरभंगा इस वक्त बिहार में अंडर डेवलपमेंट है, जहां पर अभी साइट की इंस्पेक्शन ही चल रही है। 13 मार्च को सेंट्रल टेक्निकल टीम के 3 मेंबर एम्स दरभंगा की प्रपोज्ड साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इनिशिएटिव के तहत ही इस एम्स दरभंगा को भी बनाया जा रहा है, जहां पर इस वक्त और भी कई सारे एम्स पर काम चल रहा है। साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पूरा एम्स करीबन 1,264 करोड़ रुपयों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। साथ ही अभी आ रही कुछ अपडेट्स की अगर बात करें तो करीबन 75 एकड़ की जमीन पर इस एम्स दरभंगा का निर्माण किया जा सकता है, जहां पर बनाने से पहले पूरी तरह से जमीन को समतल किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि दरभंगा में मौजूद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नजदीक ही इस एम्स दरभंगा को बनाया जाए।
श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है बिहार में मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर। अच्छा। ये ब्रिज मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को उत्तरी बिहार के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है और साथ ही बिहार में गंगा के ऊपर तीसरा रेल कम रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई करीबन 3.75 किलोमीटर है, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2002 में शुरू हुआ था। जी हाँ, इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वर्क को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जहां पर ब्रिज को फाइनली फ्रेट ट्रेन्स के लिए मार्च 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जिसके बाद उसके एक महीने बाद ही यानी अप्रैल 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज मनोज सिन्हा द्वारा इस ब्रिज को पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन ये ब्रिज आज भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक रोड कम रेल ब्रिज है, यानी कि इसके एक लेवल पे अगर रेलवे लाइन है तो दूसरे लेवल पे रोड। रेलवे लाइन तो इस ब्रिज में इस वक्त ऑपरेशनल है, लेकिन रोड का काम आज 19 साल बाद भी इस ब्रिज में पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, जिसे सिर्फ कुछ सालों में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इस ब्रिज में आज भी अप्रोच रोड, यानी कि वो रोड जो ब्रिज के एंड में होती है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो अभी तक भी बनकर पूरी तरह तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों है? सिंपल एक दिक्कत जो कि है लैंड एक्विजिशन। खैर दिक्कत कोई भी हो, लेकिन किसी ब्रिज को बनाया इसलिए जाता है कि वो एक जगह को दूसरी जगह से लिंक कर सके, और जब तक वो ब्रिज पूरी तरह से लोगों के काम नहीं आता, तब तक उस ब्रिज को बनाने का सच में कोई भी फायदा दिखाई नहीं देगा। पटना मेट्रो। तो चलिए अगले बिहार के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बिहार की ही राजधानी पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन है। पटना मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे ओन और ऑपरेट करने का जिम्मा पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का होगा। करीबन 13,400 करोड़ रुपयों के आसपास का खर्चा इस प्रोजेक्ट में आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ही बनाया जाएगा। साल 2011 में ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया, जिसमें इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में बनाकर पूरी तरह से तैयार करने का प्लान है। करीबन 75 किलोमीटर लंबा ये पूरा पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट होने वाला है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का साथ दे रही है इस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो के पहले रेल कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जहाँ पर लगभग एक महीने बाद ही फाइनली पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपना ऑफिस भी जो है वो ओपन कर दिया था। बात करें इस प्रोजेक्ट के अपडेट की, तो इस वक्त तो फिलहाल पटना मेट्रो में काम चल रहा है, और पिछले साल के आखिर में ही नीतीश कुमार ने यह बताया था कि लगभग 5 साल के अंदर इस पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के 2 कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से बनकर ऑपरेशनल हो जाएंगे। दरभंगा औरंगाबाद एक्सप्रेस वे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की, जो कि होने वाला है बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार के राज्य से कहीं से भी आप पटना करीबन 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई करीबन 205 किलोमीटर के आसपास होगी और लगभग 7,200 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकता है। अभी की मौजूदा जानकारी के हिसाब से औरंगाबाद के मदनपुर से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी कनेक्टिविटी देगा, जिसका काम शुरू होने के बाद करीबन 30 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को भी भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत ही बनाया जा रहा है, और आने वाले समय में ये बिहार के लोगों को काफी हद तक बेहतर सुविधाएं जरूर देने वाला है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। तो कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज भारत के बिहार में पटना में कच्ची दरगाह को हाजीपुर के बिदुपुर से कनेक्ट करता हुआ एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। नवंबर 2021 तक इस ब्रिज के कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है, जिसके बाद ये एक आसान रोडवे लिंक बना देगा बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में। साथ ही 2 मेजर नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 333 को भी कनेक्ट करने का काम करेगा। साल 2016 में इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया गया था, जिसका टोटल लेंथ करीबन 9.76 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें ये बनने के बाद एक अच्छी कनेक्टिविटी तो देगा ही, साथ ही जो मौजूदा महात्मा गांधी सेतु है उसके भी लोड को काफी हद तक कम कर देगा। पूरे ब्रिज को बनाने के साथ साथ करीबन 13.24 किलोमीटर के अप्रोच रोड्स को
भी बनाने का काम इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसमें कुल 6 लेन की रोड बनाई जाएगी और पेडेस्ट्रियंस का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया जाएगा दोनों ही रोड्स के दोनों साइड पर। बनने के बाद ये भारत में भी नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है, जिसका काम अब लगभग अपनी आखिरी स्टेजेस तक पहुंच चुका है। राजगीर नेचर सफारी। चलिए अब बिहार के एक ऐसे प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि है राजगीर की नेचर सफारी, जिसे पिछले महीने ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर के बेसिकली उस प्लान के साथ इस मेन स्टेप को उठाया गया था, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने करीबन 500 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन पर इस नेचर सफारी का डेवलपमेंट किया है। भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक आपको इसी नेचर सफारी में देखने को मिलेगा, जहां पर और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे सस्पेंशन ब्रिज, एडवेंचर पार्क, बटरफ्लाई जोन, आर्करी रेंज, रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स, रेसलिंग जोन जैसी चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। नीतीश कुमार के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट भारत के अलग अलग जगहों से बिहार की तरफ आएंगे, जिसमें उनके मुताबिक लगभग 2 लाख के आसपास फॉरेन टूरिस्ट भी होंगे, जो कि मोस्टली बोध गया, वैशाली या राजगीर की तरफ आते हैं। और उन्होंने कहा कि एक बार अगर कोविड के केसेस कम होने शुरू हो गए तो उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के पार्क बिहार में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को लेकर के आएंगे। तो ये थे बिहार के कुछ मेन इंपॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें इस वक्त या तो काम चल रहा है या फिर वो हाल ही में ही कंप्लीट हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बिहार में काफी सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस वक्त या तो काम चल रहा है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, APJ अब्दुल कलाम सेंटर, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का रिडेवलपमेंट, महात्मा गांधी सेतु पैरेलल ब्रिज, पटना रिंग रोड, भीटा एयरपोर्ट रिडेवलपमेंट, पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज, लोकनायक गंगापाथ, न्यू गया मेट्रो, बिहार फिल्म सिटी और न्यू कोलीवार ब्रिज, जिसे हाल ही में ही ओपन कर दिया गया है। तो बिहार के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। बिहार राजधानी होच्छे पटना, और पटना होच्छे हमारे खानसारेर जायगा। तो बिहार डेवलपमेंट जो चलते ताते मन हम बिहार आसले एखनो সেইভাবে ডেভেলপ হয়নি এখানকার ভিডিও দেখে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। বিহার কিন্তু ওখানকার বা মানে আয়তনের দিক থেকে 12 নম্বর হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ার মধ্যে হ্যাঁ, আর জনসংখ্যা দিক থেকে আবার হচ্ছে 3 নম্বর, মানে সব বেশি জনসংখ্যা ওখানে। তারপরও এই ডেভেলপমেন্ট ক্যামেরা তো পিছে আগে আছে, আবার যেমন দেখলাম যে একটা ব্রিজ কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ের সময় কিন্তু উনি উদ্বোধন করে গেছে, আর সেটা এখনো পর্যন্ত চলছে। তারপর সেটা ল্যান্ড, এটা আমাদের দেশেও হয়, আমাদের দেশে অনেক প্রজেক্ট হয় কি যে যেগুলো শুরু হয়েছে অনেক আগে কিন্তু এখনো পর্যন্ত শেষই হয় না। এরকম একটা গল্প আমাদের এখানে আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের নারায়ণগঞ্জেও কিন্তু এরকম একটা ব্রিজ বানানো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এটার যে সংযোগ সড়ক সেটা সংযোগ হচ্ছে না, শুধুমাত্র এরকম ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের জন্য আটকে আছে। এরকম অনেক ঘটনায় আছে আমাদের দেশও আছে, আর আমরা তো আসলে পাশাপাশি দেশ, একই রকম নেচার আমাদের, একই ধরনের থিংকিং, তো দেখা যায় যে অনেক কিছুতেই মিল পাওয়া যায়। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওদেরও বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা থাকে, এখানে জমি অ্যাকুইজিশনের ঝামেলা থাকে, অনেকে জমি দিতে চায় না, অনেকে আবার অনেক বেশি টাকা আশা করে, তারপর অনেকে কেচকামারেই থাকে যে সরকারি পক্ষ আর বিপক্ষে জমাগণ থাকে, অনেক সময় অনেক আইনি ঝামেলা যে আটকে যায় তখন কিন্তু আসলে সেটা আসলে অনেক লেন্দি হতেই থাকে, একের পর এক লেন্দি হতে থাকে, তখন বছরের পর বছর যেতে থাকে, আর এতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় হচ্ছে সাধারণ জনগণকে, কারণ এই রাস্তাগুলো যতদিন না ঠিক হবে ততদিন ওরা কিন্তু মানে সঠিকভাবে চলাফেরাও করতে পারবে না। তারপর মেট্রো রেল যেটা বলছে যে প্রায় শেষের পথে, এটা সেটাও তো অনেক আগে শুরু হয়েছে, এতদিন সময় নিয়ে যদি একটা মেট্রো রেলের কাজ চলে তাহলে এটাও আসলে একে তো জনগণ সুফল পাচ্ছে না, দেরি হচ্ছে, পাশাপাশি কিন্তু খরচটাও বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেশি, হ্যাঁ দিনকে দিন খরচগুলো কিন্তু বেড়ে যায়। তাছাড়াও এখানে যতগুলা জিনিস দেখালো যে যতগুলা প্রজেক্ট আছে এগুলো আসলে খুবই
আধুনিক করার জন্য বিহারটাকে মানে উঠে পড়ে লেগেছে এরকম মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটাকে তারা প্রজেক্ট প্রজেক্টের উপর প্রজেক্ট চাপিয়ে দিয়ে তাকে আরো সৌন্দর্য বা বর্ধন করে তারপর হচ্ছে টুরিস্টদেরকে আকর্ষণ করার জন্য আরো বেশি কাজ করছে। আমার কাছে মনে হয় যে টুরিস্টের যে আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য যেটা ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী উনি ধারণা করেছে যে 2 লাখের মতো হচ্ছে বিদেশি টুরিস্ট তারা পাবে, তো সেটা চিন্তা ভাবনা করে ওনারা কিন্তু অনেক বড় জায়গাটাকে ছেড়ে দিয়েছে সাফারি পার্কের মতো করে, এবং তার ভেতরে তারা কিন্তু রাস্তাঘাট এবং অনেক কিছুর উন্নয়ন করছে, যাতে চীনের মতো প্রথম একটা গ্লাস ব্রিজও বানাচ্ছে ওখানে, যাতে করে সহজে মানুষ আর কি সেখানে যেতে পারে এবং আকর্ষণটা থাকে আর কি। তাছাড়াও নালান্দা ইউনিভার্সিটি, যেটা সম্পর্কে আমরা আগেও অনেকবার হয়তো পড়েছি, যে নালান্দা ইউনিভার্সিটি কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতনতম একটা ইউনিভার্সিটি ছিল যেটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তো তারপরে ওখানে কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপে এখন তারা আবার রিকনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, তো এটাও মানুষের কাছে একটা আকর্ষণ থাকবে যে অনেক পুরনো একটা ইউনিভার্সিটি দেখতেই যায় আর দেখতে যাবে। তাছাড়াও যতগুলো প্রজেক্ট আছে এগুলো যদি আসলে কমপ্লিট হয়ে যায় তখন কিন্তু তাদের অন্য অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো হবে এবং মানুষ সহজে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাদের উন্নতি হবে। ওদের যে হাইওয়েগুলোর যে নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, যেটাতে হচ্ছে যে বিহারের যে কোনো জায়গা থেকে পাটনায় ইজিলি মুভমেন্ট করা যাবে, এই প্রজেক্টগুলো অনেকদিন আগে থেকে কাজ শুরু হয়েছে এবং এই প্রজেক্টগুলোও কিন্তু অনেক লেন্দি সময় ধরে আটকে আছে, এগুলো কমপ্লিট হচ্ছে না, তবে খুব রিসেন্টলি কমপ্লিট হবে যতদূর ভিডিও থেকে কয়েকটা দেখালো যে রিসেন্টলি কমপ্লিট হবে এরকম। আর আমার কাছে মনে হয় কোভিডের জন্য মানুষ আরও অনেক বছর পিছিয়ে গেছে, মনে হয় 2 বছর তো আমাদের লাইফ থেকে কীভাবে চলে গেল আমরা কেউ কিন্তু বুঝতে পারছি না, কিন্তু এই 2 বছরটাকে মনে হচ্ছে আসলে অনেক বছর পিছিয়ে গেছে। এই 2 বছরের সঙ্গে সঙ্গে আসলে অনেক বছর পিছিয়ে গেছে, কেননা অনেকগুলো কাজ দেখা যাচ্ছে যে ফিনিশ হয়ে যেত সেগুলো হচ্ছে না এবং সেগুলো বিভিন্ন ঝামেলায় আরও লেন্দি হতে যাচ্ছে। তো ওভারঅল ভিডিওতে অনেক ইনফরমেশন ছিল এবং সেই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে বুঝতে পারলাম যে বিহারের ডেভেলপমেন্টটা আসলে করার চেষ্টা করছে অনেক দ্রুত গতিতে, কিন্তু অনেক ঝামেলার কারণে হয়তোবা এগুলো হিডেন ঝামেলা যেগুলো হয়তোবা আমাদের জানা নেই, যে কারণে হচ্ছে বিহারের ডেভেলপমেন্টটা হয়তোবা স্লো গতিতে যাচ্ছে। তো এই ছিল ভিডিওর ইনফরমেশন, আর আজকে আমাদের এই ভিডিওর উপর ভিডিও রিয়াকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।